हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान वाले सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोग साइंस वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं, पार्ट 1। और पार्ट 1 का नाम क्या है? कोशिका। तो पहले हम लोग पार्ट 1 के कोशिका वाले चैप्टर का प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 का भी करेंगे, पार्ट 3, यानी पूरे विज्ञान का जितना भी पार्ट है हम लोग पार्ट वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। इसीलिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट होता है और उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, यहाँ तक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका जो होता है वो पौधे कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे कोशिका में। ठीक है, ये पौधे होगा, पौधे कोशिका में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी से क्वेश्चन आएगा, इसलिए अच्छे से आप सारे क्वेश्चन को याद करके जाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। तो अमीबा कैसा जीव है? एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। तो इसके एक ही कोशिका में क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा है अंतग्रहण, ये भी होता है। ऑप्शन बी में लिखा है पाचन, ये भी होता है। ऑप्शन सी में लिखा है अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, ये भी होता है। यानी इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, यह सभी क्रियाएँ होती है कोशिका में। ठीक है, अमीबा के एक कोशिकीय जीव है, इसीलिए अमीबा में सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की सबसे पहले एंटोन वान लेवेनहुक ने की, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, सजीव के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कोशिका कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें लिखा है, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो आकार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, इनमें से कौन एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है? तो सबसे बड़ा एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, कोशिका में सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव्य में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? तो इसको 1665 में देखा गया, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, सूक्ष्म जीव एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइक्रोकांडिया को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अमीबा। नेक्स्ट
हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है कोशिका, उससे हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझ के याद करके एग्जाम में जाइएगा, आपका एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द चैप्टर 2 के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।